सरकार ने जो ये जिला परिषद का पद दिया है, हम समझते हैं ये जिला परिषद का पद नहीं है, ये गोया के हवलदारी करने के लिए पद दिया है। लेकिन हमारे पदाधिकारी और हमारे माननीय इतने सुस्त हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि हटिया का डाक 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा डाक 31 मार्च को निकलता है, तो 15 अप्रैल तक ये समाप्त। इस हटिया का डाक नहीं हुआ है, उस हटिया से अभी भी वसूली हो रही है। ये राजस्व कोई प्राइवेट आदमी कैसे वसूल रहा है? मधुमपुर का भी यही हालत है। मैं ये जिला परिषद गठन हुए आज 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, हम व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस व्यवस्था चरमराई हुए पूर्ण तरह। जिला परिषद का सिस्टम फेल है, इसी के विरुद्ध में हम लोग, क्योंकि जब जन समस्या का समाधान हम पार्षदों द्वारा नहीं होगा, क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होगा, तो हम जनता को किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? हम जनता में रहने वाले लोग हैं, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे और हम क्या उसका जवाब देंगे? 5 साल में जब 1.5 साल ख़त्म हो गया, 3.5 साल बचा है, फिर लोकसभा विधानसभा इलेक्शन डिफरेंट टाइप का बाधाएं आ जाती हैं, तो काम में रुकावटें होती हैं, तो हमें लगा कि हम सही समय पाकर, जबकि बहुत समय गुजर गया पहले करना चाहिए, देर से जागे हम लोग, लेकिन जागे हैं। आज बहुत सारे पार्षदगण आते, लेकिन क्योंकि आज बर्थ है इनका, अरे हाँ बर्वृत है, इस वजह से हम लोगों ने आज ही धरना रखा था और ये धरना मुख्य रूप से रखा गया है सिस्टम के खिलाफ, और सिस्टम में जितने लोग आते हैं सब दोषी हैं। मुख्य यही कारण है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कि आज धरना रखा गया था, लेकिन हमने इसको आगे बढ़ाया है। 22 तारीख को 11:30 से इस जिला परिषद के कार्यालय के आगे धरना देगा। धरना में ये नहीं है कि हम पूरे समूह को बुला लेंगे, 300 पार्षद को बुला लेंगे, हम लोग धरना देंगे, हम तमाम लोग धरना देंगे, जिनको लगेगा कि हमारी हक हमें नहीं मिल रहा है, हमसे हक छीना जा रहा है, या हम जनता जनार्दन का काम नहीं कर पा रहे हैं, वो आके शरीक होंगे धरना में और सबके लिए वेलकम है। धरना के माध्यम से क्या मांगे हैं आपको? धरना के माध्यम से हम लोगों की मुख्य रूप से मांगे जो हैं वो है कि जिला परिषद की 4 बैठकें हो चुकी, बैठक में प्रोसीडिंग में जो बातें आती हैं, जो निर्णय लिया जाता है, उसमें 20% के अलावा निर्णय पे अमल नहीं होता है। वो 20% भी वैसे निर्णय का अमल होता है जिसमें पदाधिकारी या माननीय का हस्तक्षेप होता है और उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उस पर अमल हो जाता है। बाकी पार्षदगणों का जो मुद्दा होता है उस पर अमल नहीं होता। पहला मुद्दा हम लोगों का ये है। दूसरा सबसे गंभीर समस्याएँ हैं और सबसे गंभीर मुद्दा है वो है मनरेगा योजना। जिला परिषद को मनरेगा एजेंसी, बिहार में 5-6 जिले में मनरेगा का काम हो रहा है, लेकिन अररिया जिला इससे वंचित है, जबकि बिहार से सबसे दबे कुचले इलाके और नदी वाला इलाका, बाढ़ और सैलाब वाला इलाका ये है, यहाँ मनरेगा मजदूर का प्लान होता है। हमको लगता है हिंदुस्तान का कोई ऐसा जगह नहीं, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ बिहारी मजदूर जाके काम नहीं करते हैं। उसका प्लान रोकने के लिए इतनी अच्छी स्कीम है ये मनरेगा योजना, और जिला परिषद को ये मनरेगा योजना देने से फायदा ये है कि एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ना है, लेकिन यहाँ सीमित कर दिया मनरेगा योजना को, सिर्फ प्रखंडों में करना है, 2 टोकरी मिट्टी देकर 4 कोदाली मिट्टी देकर, खुले आम तौर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे जिला में और तमाम पदाधिकारी अपनी झोलियाँ भर रहे हैं। इस वजह से जिला परिषद का मनरेगा में हिस्सा होना चाहिए, बहुत पूर्व में होना चाहिए, सिर्फ आश्वासन मिली है, जबकि हमारी जिला पदाधिकारी महोदया ने इसके संबंध में पॉजिटिव लिखा है, लेकिन आज तक वो फाइल धूल चाट रही है। पार्षदों को हर बैठक में सिर्फ आश्वासन मिलता है कि मनरेगा हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब पार्षदों का 5 साल बीत जाएगा तब हो जाएगा। हम ये जवाब चाहते हैं आज इस आपके चैनलों के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये कब हो जाएगा? और हमने तो ये निर्णय ले लिया है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन सभाओं ने साथ दिया, मुझे बड़े खुशी है। मैंने कहा था कि अकेले बैठना होगा इन तमाम मुद्दों पे, तो मैं अकेले बैठूंगा और जब तक इसका समस्या का समाधान नहीं होगा अनिश्चितकालीन धरना होगा। आज भी हम उस पर अडिग हैं, और लेकिन पार्षदों ने कहा कि नहीं, ये तमाम मुद्दा पार्षदों का है, हम तमाम ज्यादा से ज्यादा पार्षद आपके साथ हैं, तो आज देख रहे हैं कि पूजे के दिन में भी इतने पार्षद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं
और मनरेगा योजना जब तक चालू नहीं होता है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। जब तक इन में प्रमुख मुद्दाएं जो हैं चालू नहीं होता है तब तक हम धरना पे बैठे रहेंगे। दूसरा सबसे गंभीर मुद्दा है एनओसी, जिला परिषद को कामों के लिए एनओसी चाहिए और एनओसी का यह हाल है कि महीनों 6 महीना एनओसी डिपार्टमेंट से नहीं आता है, जिसके कारण कामों काम बाधित होता है, काम में विलंब होता है और काम का ओवरलोड पड़ता है पदाधिकारियों पर और लोगों पर, जिससे काम नहीं हो पाता है। आज आप मनरेगा में ले लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मनरेगा में। अररिया हमारे यहाँ वो पोस्टेड है, जेई हैं रवि कुमार, वो अररिया ब्लॉक के मनरेगा के जेई हैं। उनके अगर आप किसी भी फाइल को उठा कर देख लीजिए कितनी बड़ी धांधली है उनके मनरेगा के कार्यों में। मनरेगा मतलब मनरेगा नहीं होना समझिए, जिला परिषद को नहीं देना, जबकि हमारा काम मॉनिटरिंग का है, हमारा काम निगरानी का, हमें देखना है वो, हम देखते हैं योजनाओं को, जब हम देखते हैं कि लूट हो रहा है बिल्कुल, हम तो कहते हैं फर्स्ट नंबर जिला में जेई का आएगा आपका रवि का, अगर आप मनरेगा पे देखेंगे। जांच करवा लीजिए, मैं तो डीडीसी महोदय से और जिला पदाधिकारी महोदय से इस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस पे जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि मनरेगा में कितना लूट हो रहा है और जिला परिषद जो एक बड़ा काम करेगा मनरेगा में वो वंचित है। इसलिए बहुत गंभीर समस्या है मनरेगा का, एनओसी का भी गंभीर समस्या है कि एनओसी अभी तक बहुत 6 महीने बीत जाते हैं एनओसी नहीं आता है, साल भर का एनओसी अभी तक नहीं आया। दूसरा है कि प्रोसीडिंग, जिला परिषद की प्रोसीडिंग, वो तो हमने आपका प्रोसीडिंग को कह दिया है। उसके बाद यह है कि पारदर्शिता नहीं है कामों में, जिला परिषद के जो विकास के कार्य आते हैं अन्य कार्य आती हैं उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसका भी मेरा हम पार्षदों का मांग है कि पारदर्शिता होनी चाहिए पार्षदों के बीच, एक तो समूह है, समूह में तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना, ये पारदर्शिता की कमी है। दूसरा कि पूरा लचर व्यवस्था है जिला परिषद का, एक तो स्टाफ की कमी है, स्टाफ का अभाव है और दूसरा बात जो स्टाफ है भी वो एकदम लचर व्यवस्था है जिला परिषद के कार्यालय का, और जो पदाधिकारी हैं रोज नए नए पदाधिकारी बदलते हैं और जो पदाधिकारी हैं वो अपने, ये तो अतिरिक्त प्रभार में है तो अपने प्रभार के कार्यों को खूब ढंग से देखते हैं और यहाँ के काम को वो बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं कि कर देंगे नहीं करेंगे। ये आक्रोश हमारे पार्षदों में, ये मुख्य रूप से ये आक्रोश हमारे पार्षदों में है। इसमें यह है कि शर्म की बात है, लेकिन आपने क्वेश्चन कर दिया तो मैं उसका आंसर दे दूं कि मुझे अध्यक्ष बने लगता है हम लोगों को विभागीय अध्यक्ष बने जिला परिषद का, ये 5वां महीना होगा और इस 5 महीने में आज तक एक भी मीटिंग कॉल नहीं हुई। हमने यहाँ से लेकर पंचायती राज पदाधिकारी तक को लिखा, लेकिन मेरा व्यवस्था इतना जर्जर है कि एक स्कूटी पीएचडी जो हमारा सचिव है उससे मीटिंग कॉल कराने में हमारा जिला परिषद कार्यालय और उनके पदाधिकारी और माननीय असमर्थ है, आज तक मीटिंग नहीं हो सकी। तो आप सोचिए जब मीटिंग नहीं हो सकी तो उस विभाग का हाल क्या होगा, इस तरह सभी विभागों का हाल है। स्वास्थ्य विभाग का तो कहना ही जिला का, आप तो हमेशा देखे हैं जिला का, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हाल है वो जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग का जो हाल होता है आप जानते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों का यही मांग है और विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे धरना पे जिस दिन बैठेंगे उस दिन। और हाथमा कहाँ भाग गई है? जिला परिषद कार्यालय का यह हाल है कि आप तमाम लोग जानते हैं, मीडिया कर्मी जानते हैं कि जिला परिषद एक संस्था है और इसकी अपनी आमदनी होती है, उस आमदनी से जिला परिषद चलता है, लेकिन हमारे पदाधिकारी और हमारे माननीय इतने सुस्त हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि हटिया का डाक 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा डाक 31 मार्च को निकलता है तो 15 अप्रैल तक ये समाप्त हो जाता है, उस बीच में एक दो हटिया छूट जाता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। एक दो हटिया पूरे जिला का छूटने का मतलब है
के लगभग 5 से 7 लाख रुपए छूट गया महीने का। और अभी ये स्थिति है कि आज 19 तारीख है मई का, और जो हटिया डाक नहीं हुआ डिपार्टमेंटल करना है वो फाइल चक्कर लगा रहा माननीय और पदाधिकारी का, आज तक उस पर डाक नहीं हो सका। ये स्थिति देखिए कितना कंसस है हमारे माननीय और पदाधिकारी, जिससे जिला परिषद को पैसा आना है। मेरा दावा है कि जिला परिषद का, इस पूरे जिला का जो हटिया अभी फाइल धूल चाट रहा है माननीय और पदाधिकारी के बीच, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का लॉस है। ये लॉस कौन सहेगा? ये सरकार की क्षति है। ये क्षति का जिम्मेदार कौन होगा? ये क्षति का जिम्मेदार सीधा सीधी माननीय और पदाधिकारी हैं, जिससे जिला परिषद का आमदनी पे सीधा असर पड़ रहा है। क्यों नहीं इस पे इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा जिला परिषद सदन करेगी आने वाले दिनों में। हम अनुरोध करते हैं अपने माननीय सदस्यों से कि हम इस प्रोसीडिंग को लेंगे, और हम लोग इस सदन में जिला परिषद के आय स्रोत जो घट रहे हैं इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जितने दिनों का जिला परिषद का ये आय स्रोत घटा है, माननीय और पदाधिकारी से इसकी रिकवरी होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग इस पर भी बहुत ज्यादा कंसर्स है कि जिला परिषद में आमदनी नहीं आएगी तो जिला परिषद चलेगा कैसे। ये बहुत अहम मुद्दा। पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आम नागरिक से मुखातिब होना चाहता हूँ। हमारा काम, मुख्य काम निगरानी करने का है। हमें जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार और सुविधाओं की निगरानी करने की हमारी जिम्मेदारी है, किंतु जिला परिषद में इस सिस्टम को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है। जितनी भी समितियाँ बनाई गई हैं निगरानी के लिए, सभी को बेकार कर दिया गया है। कोई भी अध्यक्ष इस पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब जिला परिषद सदन निगरानी नहीं कर पाएगा तो जिला में भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और किस रणनीति के साथ भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए इन कमेटियों को भंग तो नहीं कहेंगे लेकिन उस हालत पहुंचा दिया गया कि ये निष्क्रिय है। तो मेरा डिमांड है जितनी भी कमेटी है उसको उतना क्रियान्वयन कीजिए उसका कि जिला में काम हो सके, अस्पताल की व्यवस्था सही हो सके, नल जल की व्यवस्था सही हो सके। लेकिन मैं बार बार इतनी बात कहना चाहूँगा, जो कमेटी है उस कमेटी को पूर्ण रूप से एक्टिव किया जाए। हम निगरानी की बात करते हैं किंतु मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि जिला परिषद को कितना फंड अलॉट हुआ है। ये हमारे ऊपर एक बड़ा सवाल है। तो आप स्थिति देख सकते हैं, हमें ये चाहिए कितना फंड यहाँ अलॉट हुआ है, किस किस विभाग की निगरानी हुई है, कौन कौन सी कमेटी काम कर रही है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप सभी को पता है बाढ़ आने वाला है, कितने लोग मरेंगे पता नहीं, लेकिन बाढ़ पूर्व तैयारी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जिले भर में पलायन का बहुत बुरा हाल है। मनरेगा योजना जहाँ भी अच्छे चल रहा है व्यापक स्तर पर, पलायन वहाँ पर कम हुआ है, लेकिन वो कौन सी साजिश है जिसके वजह से गरीबों के थाली में रोटी ना पहुँचे और वो पलायन करने को मजबूर हो जाए कि मनरेगा काम को नहीं कराया गया है। और हम जब भी कोई बात रखते हैं, जब भी कुछ बात रखते हैं, उन सब बातों में हमने देखा है कि प्रोसीडिंग से हमारा काम नाम ही हटा दिया जाता है। सपोज कीजिए एक मीटिंग होती है, तो मीटिंग में हमने जो आवाज़ उठाया, पहली मीटिंग में हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने जो आवाज़ उठाया उसे कहीं लिखा नहीं गया, तो उसके हर मीटिंग में हमने लिख के देना शुरू किया। लिख के देना शुरू करने के बाद भी हमारी बातें प्रोसीडिंग में नहीं आई। हाँ, बहुत ही दबाव के बाद जो बात प्रोसीडिंग में आई और आश्चर्यजनक तरीके से, वो बातें हमारे मतलब कि फिर उसमें जवाब में नहीं आया, अमल नहीं हुआ, जवाब में ही नहीं आया, अमल तो दूर की बात। ये मजाक, ये 3 महीने में जो मीटिंग होता है ये मजाक बन के रह गया है, और जो भ्रष्टाचार है इसकी जिम्मेदारी पूरा जिला परिषद सदन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और सभी कमेटी जो है उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। हमारा यही डिमांड है, मनरेगा योजना उसे किया जाए। और हाँ, जो हमारा फंड आता है एज पर रूल 70%, 15% और 15% वो होता है। फंड कितना आया नहीं आया इसकी पारदर्शिता के लिए हम बैठेंगे, धरना देंगे, मनरेगा के लिए देंगे और मान सम्मान के लिए देंगे, जो हमारे स्टाफ कमी है उसके लिए देंगे, जो हमारी लाचारी है उस व्यवस्था के खिलाफ हमें कार्य करने की जरूरत है। शुक्रिया। आपकी जो पत्नी है जिला परिषद सदस्य, उनके द्वारा जो है प्रोसीडिंग में बिजली विभाग को लेकर के मुख्यतः आवाज उठाई गई थी, उसमें कितना काम हुआ या कितना फर्क? आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, बिजली विभाग के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सरेआम सदन को गुमराह करते हुए झूठ बोला कि माननीय सत्यन अहमद की हमारी जानकारी में नहीं है, जबकि उनकी जो मृत्यु हुई थी, दुखद मृत्यु,
जबकि वो उनके नॉलेज में था। उन्होंने साफ झूठ बोला है कि पिछले 3 साल में बिजली शॉर्ट लगने से सिर्फ 5 लोग ही मरे हैं, लेकिन मैं बता दूं कम से कम 50 लोग मरे हैं, और उसके बाद भी उस पर हम कोई भी कार्रवाई करने को असक्षम है। जिस हटिया का डाक नहीं हुआ है उस हटिया से अभी भी वसूली हो रही है। ये राजस्व कोई प्राइवेट आदमी कैसे वसूल रहा है? मधुमपुर का भी यही हालत है। मैं वहाँ के आम पब्लिक से भी अपील करूँगा कि आप हटिया का पैसा देना बंद कीजिए जब तक डाक ना हो जाए। डाक 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है। वो किसको कमीशन देके वहाँ पे वसूली कर रहे हैं गैरकानूनी तरीके से, उस पर FIR किया जाए। एक सवाल खुल्लम खुल्ला तमाम पदाधिकारियों के सामने कहा कि हम जो मीटिंग में आवाज़ उठाते हैं हमारी आवाज़ को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। हमने उस मीटिंग में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हम लोगों को सरकार ने जो ये जिला परिषद का पद दिया है, हम समझते हैं ये जिला परिषद का पद नहीं है, ये गोया के हवलदारी पद दिया है। अगर हम लोग ईमानदारी से हवलदारी करते भी हैं, जांच पड़ताल करते भी हैं, पंचायत का काम हो चाहे स्टेट लेवल का काम हो चाहे कोई भी काम हो, जब हम उसको गंभीरता से देखते हैं तो उनका श्रेय उनका फ़ायदा पदाधिकारियों को चला जाता है, क्योंकि जाँच होने के बाद वहाँ कमीशन खोरी आज इस सरकार में इतना ना बढ़ गया है कि अगर हम किसी भी बिंदु पर हम आवाज़ उठाते हैं उनका कमीशन सीधा पदाधिकारी को जाता है और वो जांच वहीं धरा कर धरा रह जाता है। उस विषय पर जब हम अपने सदन में आवाज़ उठाते हैं, अपने अध्यक्ष महोदय के सामने ये बात रखते हैं, तो बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हमारे प्रोसीडिंग में बहुत सारी बातें आई लेकिन ये जस का तस पड़ा हुआ है, सिर्फ एक पेपर बाजी के नाम पर ये सिर्फ पेपर में सीमित रह गया है, ये आज तक अमल नहीं हुआ है। और दूसरी समस्या यह है हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या कि जिला परिषद बने हुए 1.5 साल से अधिक हो गया है, आज तक हमने 2 काम किया है, लेकिन पता ये चला कि 100 करोड़ रुपया हमारे लिए आया, पंचायत के लिए आया, जिला परिषद के लिए आया, मुखिया समिति के लिए आया, तमाम लोगों के लिए आया, लेकिन मैं इस प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार प्लस अपने अध्यक्ष महोदय को कहना चाहता हूं कि 1.5 से 2.5 साल के अंदर में अगर हमने 2 योजना किया है तो बाकी समय में मेरा क्या होगा और कितना योजना हम कर पाएंगे? आज जनता के सामने मुंह दिखाने हम लोग लायक नहीं हैं, क्योंकि जनता ये सवाल पूछता है कि आप कुछ जिला परिषद बनाए, आपने हमारे इलाके में क्या किया। तो इस विषय को लेकर हमने व्यक्तिगत रूप से अपने अध्यक्ष महोदय से जब बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका जो 15% है वो 15% नहीं बल्कि 10% ही आपके इसमें आता है, काम में आता है। तो हमने कहा कि ठीक है, वही 10% अगर हमारे लिए आता है तो हमारे पास 6 से 7 पंचायत है, तो हर पंचायत मिलाकर हमको 60 से 70% पैसा होना चाहिए और उस पैसे को लेकर हम अपना क्षेत्र में काम कराएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय का कहना हुआ कि आप पंचायत इकाई के सदस्य नहीं हैं, आप जिला इकाई के सदस्य हैं, तो उनका कहना है साफ साफ कि आप 6 पंचायत के जिला पार्षद हों या 7 पंचायत के हों, आपको मात्र वही 10% पैसा मिलेगा जिससे आप क्षेत्र का काम कर सकेंगे। तो हम इस चीज़ का खुलासा करना चाहते हैं इस सरकार से, अपने अध्यक्ष महोदय से, कि इसका मुझे खुलासा जिस दिन हो जाएगा तो मुझे उस दिन संतुष्टि मिल जाएगी कि आखिर इस सरकार के योजना में हम कितने % के हिस्सेदार हैं। इससे आज तक हमें संतुष्टि नहीं मिली है, ना मुझे कोई संतुष्ट कर पाया है। जिला परिषद को कितना आवंटन हुआ है? हमें तो इतना मालूम है कि हमारे लिए 15% पैसा आता है, समिति के लिए 15% आता है और मुखिया के लिए 70% आता है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं में से 15% हिस्सेदारी हमारी है। तो हम को लगता है कि हमारे पंचायत में अगर 4 से 5 करोड़ का काम अगर मुखिया कर दिया है तो हम तो 15% के मालिक हैं, तो हमारा 15% 50 से 60 लाख रुपया होता है। लेकिन आज तक हमने सुई के बराबर भी काम नहीं किया है, तो वो आखिर 60 से 65% या 50% 50 लाख रुपया मेरा गया कहाँ? इसका हिसाब किताब हम किससे मांगे? आपके माध्यम से मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों के सब्र का इम्तिहान ना लें, आप इस चीज़ को तोड़ें, इस जंजीर को तोड़ें, आप ओपनली हम लोगों को बताएं कि मामला क्या है। आपने कहा कि हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जब सदन में बैठकें होती आप अपनी मांगों को रखते हैं, इसको लेकर कि किसको दोषी मानते हैं? इसको लेकर दोषी वही होगा जो इसके ऑल इन ऑल होंगे, इस सदन के जो मालिक होंगे। तो इस सदन का मालिक तो जिला परिषद सदस्य नहीं हो सकता है, इस सदन का मालिक
डीडीसी है इस सदन का मालिक, जिला परिषद अध्यक्ष महोदय है इस सदन का मालिक, और वरीय पदाधिकारी हैं जिनके अधीन है ये सारी बातें, उपाध्यक्ष है, ये तमाम लोग अगर हम लोग किसी चीज़ पर अपोज करते हैं, जैसे कि सपोज ले लीजिए कि काकन पंचायत में हमने सबसे बड़ा दोषी इस बिहार सरकार को मानता हूँ कि बिहार सरकार इन सारी बातों को सुनने के बावजूद भी ये अपने पदाधिकारियों पर एक्शन नहीं लेते हैं। जिस दिन ये खाकी वर्दी वाला ईमानदार हो जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी पदाधिकारी में हिम्मत नहीं है कि रुपया का वसूली कर सके। ये सबसे बड़ा बेईमान अगर चोर है तो ये खाकी वर्दी वाला जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए ये लोग चोर हैं, मैं उसको जिम्मेदार मानता हूँ। बताइए कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस धरना प्रदर्शन से क्या लगता है कि जो आप आवाज़ उठा रहे हैं भ्रष्टाचार पे, ये खत्म हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब अधिकार आदमी को नहीं मिलता है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसी कड़ी में ये हमारे अधिकार को हमसे वंचित किया जाता है। एक जिला परिषद के क्षेत्र में 7 पंचायत 8 पंचायत होता है, 8 पंचायत के प्रतिनिधि का चुनाव हम लोग करके आते हैं, जनता भेजती है उम्मीद के साथ कि क्षेत्र में कुछ काम होगा, और हमारे क्षेत्र के कामों को रुकावट किया, रोक दिया जाता है, विकास बाधित होता है, और जो भी कामें होती है वो काम सबके साथ समान रूप से होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो पाता है, किसी को अधिक मिलता है किसी को कम मिलता है, जबकि प्रतिनिधि तो सब समान है। दूसरी बात है कि अधिकार से वंचित करने के लिए एक माध्यम हम लोग का यही है, धरना प्रदर्शन, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है उसी अधिकार के तहत हम लोग ये लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग सब पार्षदों का एक ही मांग है कि जो हमारा अधिकार है हमको मिलना चाहिए, चाहे वो जैसा कि पूर्व के पार्षदों ने रखा कि सबसे प्रमुख है मनरेगा, जब बिहार इसी बिहार के कुछ ज़िले में होता है तो अररिया क्या बिहार से बाहर है? अररिया बिहार से बाहर नहीं है, तो दूसरे ज़िले में जब काम होता है तो मेरा अररिया जो गरीब है, पिछड़ा है, बाढ़ पीड़ित जिला है, इसमें क्यों नहीं होता है काम, इसके लिए जवाब दे कौन? हम लोग का जो मुखिया है, जिला परिषद के जो मुखिया जी हैं, उनसे भी हमारी मांग है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए, इसको अमल करते हुए, और जिला परिषद के जो समस्या है जो लिखित रूप में हम लोगों ने डाला है, इसको देखते हुए इस पर इसका शीघ्र निष्पादन किया जाए, चाहे वो मीटिंग का मामला हो, वो कोई भी अफसर होता है मीटिंग में हम लोग उठाते हैं, बिजली का समस्या हमने कुशियार गांव में बिजली का समस्या उठाया, कोदरकट्टी में रामपुर कोदरकट्टी में नल जल का समस्या उठाया, पाइप लगा दिया है नल का पता नहीं है, टंकी लगा दिया है पानी नहीं चलता है, तो ये सब समस्या उठाते हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता, कोई अमल नहीं होता। कब तक लड़ाई जारी रहेगी आपको? जब तक हमारा अधिकार हमको नहीं मिल जाता है, हमें इसका आश्वासन मिलना चाहिए कि हमारे ये जो काम रुकावट है ये कितने दिनों में पूर्ण रूप से चालू होगा, जब तक नहीं करेगा चालू हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे इसके खिलाफ। परिचय, मेरा नाम जितेंद्र उर्फ लालू यादव, 22 नंबर क्षेत्र, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 से मेरी पत्नी संगीता देवी जिला परिषद है, मैं प्रतिनिधि के रूप में उसका कार्य को देखता हूँ। धरना प्रदर्शन करेंगे, आपकी लोगों की कई सारी मांगे हैं, क्या लगता है कि इस धरना प्रदर्शन से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, धरना प्रदर्शन से क्या नहीं पूरा होगा, सरकारें हिल जाती है, कुछ भी कर सकता है, क्या नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बैठकें होती है जिला पार्षद की, जो बैठकें होती है उस बैठक में जो भी बात होती है, एक आश्वासन देने के बाद जो है उसके बाद फिर अगला डेट बन जाता है कि अगला मीटिंग में इसका जो है फिर क्या नाम है कि अनुपालन में लाया जाए, अगला मीटिंग में जब देखा जाता है तो वो अनुपालन उस पर नहीं होता है, फिर दूसरी मीटिंग का ठीक अगली बार लिया जाएगा। 2 साल समथिंग 1.5 साल में उनका पार हो चुका है, ये 2रा साल में हम चले गए हैं, चंद दिन में 2 साल हो जाएगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है, अरे 100% नहीं, कम से कम 50% का काम तो होना चाहिए था ना। पार्षद ने जितने जितने मुद्दे को रखा, कोई अपना पर्सनल मुद्दा तो नहीं था ना, वो जनहित का मुद्दा था, रोड का मामला हो, मनरेगा का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो कहीं नदी कटान का मामला हो, और बाढ़। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है तो फ्लड का जो है, हर साल अररिया डिस्ट्रिक्ट जो है सीमांचल सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त इलाका आता है,
और सबसे ज़्यादा अररिया हम समझते हैं, क्योंकि हमारे अररिया के जस्ट ये जिला के बगल में हमारा पंचायत आता है, बैरगाछी बिलवा पंचायत से हम बिलोंग करते हैं। और हमारा खास के जो क्षेत्र है ये जो है बिल्कुल जिला के जो है इर्द गिर्द बिल्कुल चारों तरफ सटा हुआ है, और जिला मुख्यालय के जस्ट बगल में जो पंचायत का जो हालत है देख लीजिएगा, तो हम समझते हैं कि बाकी ग्रामीण जो जिला से बहुत दूर है उस पंचायत का क्या हालत होगा। थोड़ी सी बाढ़ आती है तुरंत गांव का गांव बह जाता है, तो क्या होता है सरकार घोषणा करती है, क्या आपदा घोषित करती है, और 6000 रुपया के लिए क्या नाम है कि लोग लाइन लगाते हैं, उसमें क्या होता है जो लोग जिसका नुकसान होता है आपदा में वो लोग वंचित रह जाते हैं, उसका फायदा वही लोग उठाते हैं जो लोग वंचित नहीं होते हैं। उसमें नेतागिरी हो जाता है, उसमें अगर रिश्वतखोरी चलता है, जो लोग पैसा देगा वो आपदा का लाभ लेगा, जो लोग पैसा नहीं देगा वो बेचारा जो आपदा का लाभ नहीं ले पाता है। तो सरकार से कहना है, खास के अररिया के जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से मेरा कहना है, हम प्रतिनिधि के रूप में कह रहे हैं कि हमको जो चुन के पब्लिक दिया भेजा है, हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, हम अपना दायित्व पूरा करने के लिए हम आप तक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आने वाले आपदा के लिए आपका क्या तैयारी है, खासकर क्या तैयारी है अररिया के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का। क्योंकि सब लोग तो जितने भी योजनाएं चलती है, कोई भी योजना ऐसा तो नहीं है कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से हट करके होता हूँ। तो हम खास करके मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी साहब से और बाकी जितने भी सिस्टम में आते हैं, जिला परिषद में हो और भी डिपार्टमेंट में, सबसे मेरा अपील भी है और हमारा जो है रिक्वेस्ट जो भी है आप लोगों के माध्यम से, वो थोड़ा सा इस पे जो ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसको समय से पहले कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो क्या नाम है धरना पे जो क्या नाम है कि पार्षद लोग बैठेंगे, कोई पर्सनल नहीं बैठ रहे हैं, जनता के लिए अपने क्षेत्र के लिए, हमारी क्षेत्र है जो खास करके यही बगल में जाइए 2 किलोमीटर बिलवा पुल है, बिलवा पुल के बगल देख लीजिए नदी की क्या हालत है, तो सबको उसके किसके क्षेत्र में कितना योजनाएं मिला है, ठीक है। तो एक तो योजना का जो मामला है, उसके अलावा मसला ये भी है कि योजना जो हो रहा है किस मद से सिस्टम 15वीं है, मनरेगा तो मनरेगा तो हम लोगों का जो ठंडा अवस्था में है, ठीक है, लेकिन ये जो सिस्टम और 15वीं ये दो जो योजना है इसमें किसको कितना योजना दी है और इसमें सरकार ने जो है जिला परिषद को कितनी राशि दिया है, ठीक है, जिला परिषद कितनी राशि दिया है, और लोग क्या कहना है कि 15%, अरे 15% तो दिया है, मुखिया को 70%, पंचायत को, जिला को 15%, हम नहीं कह रहे हैं पार्षद को या मुखिया को, पंचायत को 70% और क्या नाम है कि जिला परिषद को जो 15%, तो 15% जो है जिला पार्षद जो है एक ही पंचायत में 15% है कि आठों पंचायत में 15% होता है, ये चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है बैठक में। एक हम कह रहे हैं 15% में बहुत सारी चीज़ होती है, जिला परिषद का मेंटेनेंस है, सारे विभागीय काम भी होता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब यार 10% लेकिन एक पता चलना चाहिए कि इतनी राशि आई है और इतना इतना काम होना है, किस किस मद में किस किस क्षेत्र में किसको कितना मिला है दिया जा रहा है, किस काम के लिए दिया जा रहा है। वो तो खैर ठीक है, बहुत सारे चीज़ दिया भी गया है, ऐसा नहीं है कि चेयरमैन से हमारा सवाल नहीं है बहुत ज़्यादा, ये सब जो है बहुत सारे सवाल हमारी जो है क्या नाम है कि पदाधिकारी सबसे है। हाँ, मेरा नाम मुजाहिद हुसैन, जिला पार्षद प्रतिनिधि अररिया बैरगाछी, खास के जो है सदर ब्लॉक से हम, क्षेत्र संख्या 23। प्रदर्शन आप लोग 22 तारीख को कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मांगे हैं? सबसे पहले तो हम आप सभी मीडिया भाई को क्या कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस क्या कहते हैं कि लोगों को जिला पार्षद जीत के आए हुए 1.5 से 2 साल हो गया है, हम लोगों को ये तक पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों का योजना कितना आया है, कितना जा रहा है, कितना क्या है, ये कोई चीज़ फाइनली नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस धरना का प्रदर्शन कहते हैं कि बैठने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग जितने भी हमारे मीडिया भाई हैं, हम लोगों की जहाँ तक शक्ति चले आप लोग हमारी मदद करने पर उतरिए, ताकि हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और दूसरी बात कि हमारे क्षेत्र में खासतौर पे क्षेत्र संख्या 21 रानीगंज में कई जगह ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री काज का बोर्ड लग चुका है, 2-2 महीना पहले 3-3 महीना पहले
अभी कुछ दिन पहले हमारे मोहनी पंचायत में वार्ड नंबर 7 में हमारे विधायक श्री अश्विनी ऋषि देव ने, जो के मोहनी दुर्गापुर गांव है, वहां पे क्या आता है कि बोर्ड लगाए हुए 1.5 से 2 महीना हो गए, इन कार्य चालू नहीं किए। दूसरी पंचायत हमारे क्या आते हैं कि घगरी, जो के वहां पुल का निर्माण मुख्यमंत्री का से होना था, वो चीज़ भी क्या आते टेंडर हो चुका है, ये बरसात का समय भी आ रहा है लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं हम जिस वार्ड से और जिस पंचायत से विलंब कर रहे हैं वो वार्ड नंबर मेरा 3 है, आप जाके देख सकते हैं कि अभी तक इस वक्त तक नल जल का कोई नामो निशाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे जिला प्रशासन में कमजोरी बहुत ही ज़्यादा है, क्यों कि हमारा सीमांचल में सबसे गरीब इलाका है, पिछड़ा इलाका है, इसको हम लोगों को गंभीरता देखना पड़ेगा और हम लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को मीटिंग हाउस में जब उठाते हैं आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन के बाद इस चीज़ का कोई जवाब नहीं मिलता है, फिर आगे मीटिंग का समय ले लिया जाता है। उस मीटिंग में मेरे जिला के पदाधिकारियों कुछ समझे कि जिला परिषद का अवधा क्या है, जिला पार्षद का अवधा क्या है, अगर वो अपने अवधा और अपने क्या आते हैं कि कैपेसिटी में आ जाए तो फिर कुछ आएगा समझ में कि क्या चीज़ है। आप जिला लेवल पे एक जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को आपका इज्जत करना जानते हैं और इज्जत करना। मोहम्मद हुसैन अख्तर उर्फ चुन्नू, जिला पार्षद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 21, हमारे वाइफ है क्षेत्र की सदस्यगण उषा कुमारी उर्फ। ये बताइए कि आप लोग भी इनके साथ हैं धरना प्रदर्शन में जी, क्या आपके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है जैसे कि इन्होंने बताया जी? सबसे ज्यादा इनके साथ में तो नहीं, हम कुछ काम से आए हैं तो हम देखे कि पार्षद साहब बैठे हुए हैं तो इस मीटिंग में हम भी बैठने वाले थे तो हम भी बैठ गए। सही है, क्योंकि हम भी ये जिला कार्यालय का ऑफिस का हम भी तो जिला परिषद है तो अंदर से मध्यम ये करते हैं कि आप लोग को मुबारकबाद देते हैं कि हम जो जीते हैं 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में जो है कि हमारा जो काम करना चाह रहे हैं जनता लोग ने हमें वोट दिया है तो बहुत दर्द दुख से दिया है कि हमें जो कि काम आएगा। गरीबों ने सोचा है कि जो भी योजना आएगा, गरीब तो ये नहीं जानता है क्या फंड आ रहा है क्या योजना आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, उससे काम से मतलब है कि हमें एक ठो नाला बना दे, एक ठो शौचालय दे दे, एक ठो रोड बना दे, गली कुची में बरसात होने वाला है, बारिश होने वाला है, हम लोग चलने फिरने दिक्कत ना हो। तो जनता को हम करके नहीं दिखाएंगे तो हम पिछले साल आने वाला हम जनता को क्या जवाब देंगे उसको? ये बात बताइए, विकास क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? विकास कैसे करेंगे? जो विकास हमारा आएगा तभी ना हम विकास करेंगे। ऐसा तो सरकार बहुत दे रही है, क्यों नहीं फिर कर रही? सरकार पैसा कहाँ दिया है? सरकार तो हम सरकार को वोट दिए, सरकार जीत लिया, मोदी अध्यक्ष को हम चेयरमैन बना दिए, अपना खुशी में और निर्विरोध हो गया, उसका टक्कर में कोई नहीं रहा तो हम खुशी से हमको जो दिया दो घर पे लाया दो तो दिया उठा करके, तो हम समाज के तौर पर दिया, हमको खरीदारी या बिक्री नहीं हुआ, हम पौध को नहीं बेचे हैं हमको फायदा। हाँ, तब फिर बात रहा कि हमारे पंचायत का मुखिया जो है वहाँ आता है 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़ में जो है कि 15% जो है कि जिला परिषद का है, 15% समिति का है, तो 15% में 7 लाख हम लोग को बचा, तो 7 लाख में जो बचेगा वो हक हमारा कहाँ गया? हम पंचायत में काम करके नहीं दिखाएंगे तो फिर जनता को हम क्या कहेंगे? मेरा नाम फातिमा तूफानी, क्षेत्र संख्या 29, प्रखंड जुकी।